जय गंगे माता। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश के जो 10 प्रमुख स्थान है उनके बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप लोग आने वाले समय में ऋषिकेश यात्रा करना चाहते हैं तो मैं आपको 10 मुख्य स्थान बताऊंगा। जो स्थान पहले पड़ता है, जैसे ही आप ऋषिकेश में एंट्री करेंगे उसको हम एक नंबर में रखेंगे, और जैसे जैसे आप ऋषिकेश में आगे बढ़ते जाएंगे जो सबसे लास्ट में स्थान पड़ेगा उसको हम 10 नंबर में रखेंगे। तो इस तरह जब भी आप ऋषिकेश की यात्रा करना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और इस प्लान के अनुसार अगर आप ऋषिकेश की यात्रा करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप ऐसे ही हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं, यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब आप ऋषिकेश में एंट्री करते हैं तो त्रिवेणी घाट पड़ता है, एक मेन मार्केट है उसी के पास त्रिवेणी घाट पड़ता है, तो त्रिवेणी घाट को हम एक नंबर में रखते हैं। तो अगर आप ऋषिकेश जाते हैं तो आप त्रिवेणी घाट जरूर जाएं। यहाँ पर जब माँ गंगे की आरती होती है वो जो क्षण होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, तो कोशिश करें शाम के समय जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगने वाला है। दूसरे नंबर में जो ऋषिकेश का मुख्य स्थान है वो है भरत मंदिर, जो कि त्रिवेणी घाट से लगभग 300-400 मीटर के आसपास ही है, तो आप भरत मंदिर जरूर जाएं। कहते हैं कि ऋषिकेश का सबसे जो मेन इतिहास है वो भरत मंदिर से जुड़ा हुआ है, और ऋषिकेश नाम से पहले ऋषिकेश को हिरिकेश करके नाम से जाना जाता था, और भरत मंदिर जाइए और यहाँ पर आप दर्शन करिए। अब जब हम और आगे बढ़ते हैं तो तीसरे नंबर में जो एक सुंदर स्थान आता है वो आता है जानकी झूला। जानकी झूला 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, आप जानते हैं राम झूला लक्ष्मण झूला तो बहुत पहले से हैं, लेकिन जानकी झूला 2 साल से के आसपास पहले बना हुआ है, तो आप जानकी झूला को देखें। ये तीसरा प्लेस है, और जानकी झूला पार करने के बाद आपको बाएं ओर मुड़ जाना है और वहां पर आपको पहुंचना है परमार्थ निकेतन। तो ये है चौथे नंबर में, परमार्थ निकेतन घाट में जाइए, गंगा जी में स्नान करिए, दर्शन करिए, और यहां पर जो आरती होती है वो ऋषिकेश की मेन आरती होती है। पहले नंबर पे परमार्थ निकेतन घाट पर आरती होती है, और दूसरी सबसे अच्छी आरती जो होती है वो सबसे पहले मैंने बताया था त्रिवेणी घाट में, तो परमार्थ निकेतन घाट है चौथे नंबर में। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ऋषिकेश की ये जो प्रमुख स्थान है इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। ऐसी ही एक बहुत जल्द वीडियो आएगी जिसमें हरिद्वार के जो मुख्य स्थान हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, ताकि जब भी आप हरिद्वार की यात्रा करें तो आपको हरिद्वार के जो प्रमुख स्थान हैं उनके बारे में पूरी जानकारी हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 2 बोनस स्थानों के बारे में जानकारी दूंगा। वो जो स्थान है वो प्रकृति प्रेमी लोगों के लिए हैं जो कि एक प्राकृतिक सुंदरता के बीच रहना चाहते हैं, तो 2 बोनस स्थानों के बारे में जानकारी आपको लास्ट में दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वो जो दोनों स्थान हैं उनके बारे में जानकर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप इन सभी स्थानों की एक पर्सनल वीडियो चाहते हैं और पूरी डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैंने सभी स्थानों पर एक एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप उन वीडियो को देखकर उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ वीडियो आपको स्क्रीन में राइट हैंड में आई बटन में दिख रही होंगी, और कुछ वीडियो जो है इस वीडियो के खत्म होने के बाद स्क्रीन में आ जाएगी, तो वहां से क्लिक करके आप उन स्थानों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 5वें नंबर में जो है वो है परमार्थ निकेतन आश्रम। परमार्थ निकेतन आश्रम जो है परमार्थ निकेतन घाट के बिल्कुल सामने है, तो आप यहाँ पर जाइए। यहाँ आश्रम में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं, आप यहाँ पर दर्शन करें। आश्रम का जो माहौल है बहुत ही शांत रहता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। बहुत सारे हरे भरे आपको पौधे देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ की जो कैंटीन है यहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं, जो कि 100 रुपीज़ में पर पर्सन थाली मिलती है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो जो 6th प्लेस है वो है गीता भवन। गीता भवन जाइए, ये भी ऋषिकेश का एक मुख्य आश्रम है। यहाँ पर भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं, यहाँ पर रहने की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है,
और उसके साथ साथ यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक है। यहाँ पर रुकिए और उसके साथ साथ यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर आप दर्शन करिए। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको राम झूला मिलेगा। तो राम झूला है 7वें नंबर में। राम झूला के आसपास बहुत अच्छा लगता है, गंगा जी का घाट है, वहाँ पर बैठिए। और उसके साथ साथ अगर आप फोटोग्राफी लेना चाहते हैं, राम झूला में चलना चाहते हैं, राम झूला ऐसे भी ऋषिकेश का एक मुख्य स्थान में से एक आता है, तो आप राम झूला में दर्शन करिए। अब हम जब और आगे बढ़ेंगे, जो 8वें नंबर में प्लेस आता है वो है लक्ष्मण झूला। लेकिन लक्ष्मण झूला जो है अभी तक बंद चल रहा है, पिछले 3 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। लक्ष्मण झूला जो है सुरक्षा की दृष्टि से कमज़ोर हो गया था, इस वजह से बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं का आवागमन जो है अभी फिलहाल जो है लक्ष्मण झूला से नहीं हो पा रहा है। और लक्ष्मण झूला के बगल में ही पवन सेतु, एक कांच का पुल का निर्माण हो रहा है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो लक्ष्मण झूला के पास बहुत अच्छे मंदिर भी हैं। लक्ष्मण झूला में चल तो नहीं पाएंगे, लेकिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर है वो बहुत ही सुंदर है, तो वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों लक्ष्मण झूला से आप नीलकंठ मंदिर की ओर जब चलेंगे तो लगभग जब 8 किलोमीटर चलेंगे तो वहाँ पर एक फूल चट्टी गंगा जी का घाट है, जो कि नेचुरल एक तरह से प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित है वो घाट। और चारों तरफ आपको ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ दिखेंगे। अभी तक तो आपने जो भी जगह देखी है वो आध्यात्मिक जगह थी, लेकिन अब जो जगह आप देख रहे हैं 9 नंबर में, ये फूल चट्टी घाट, यहाँ पर राफ्टिंग भी होती है और इसके साथ साथ यहाँ बैठकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो जगह है ये प्रकृति प्रेमी लोगों के लिए है। और 10वें नंबर में जो स्थान आता है ऋषिकेश का वो है नीलकंठ महादेव मंदिर। लक्ष्मण झूला से जब आप लगभग 17-18 किलोमीटर या 19 किलोमीटर चलेंगे तो पहुँचेंगे आप नीलकंठ महादेव मंदिर। और ये एक तरह से ऋषिकेश का सबसे मेन स्थान है, लेकिन बाद में मैंने इसलिए बताया है क्योंकि सबसे लास्ट में आता है। तो ये ऋषिकेश के 10 मुख्य स्थान है। तो जब भी आप ऋषिकेश की यात्रा करें तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप झरने के शौकीन हैं, अगर जो ऋषिकेश में मेन झरना है वहाँ पर जाना चाहते हैं तो नीर वाटरफॉल भी है, तो प्रकृति प्रेमी के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट है, तो आप नीर वाटरफॉल जा सकते हैं। और नीलकंठ महादेव मंदिर के रास्ते में पटना वाटरफॉल है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो इस तरह ये 10 तो मैंने आपको बता दिए, उसके बाद 2 वाटरफॉल है, तो कह सकते हैं कि एक तरह से ये 12 मुख्य स्थान है ऋषिकेश के। जब भी आप ऋषिकेश की यात्रा करते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और प्रकृति के जो नज़ारे हैं उनको भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव।